choose your relative between r of distance between gene, ठीक है? Yes, ma'am. देखो और एक एक और लिख लो, फर्स्ट परसेंटेज द कॉम्बिनेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट सीएम होता है, ठीक है? फर्स्ट बोल सकते हो, मैप यूनिट बोल सकते हो, ठीक है? फर्स्ट मैप यूनिट इज इक्वल टू फर्स्ट मैप यूनिट। क्या हो रहा है आदित, दे दो यार, दे दो। लिख लो डिस्टेंस बिटवीन जी शिवा, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, दे जाएगी। और ये यू कैरियर्स और प्रो कैरियर्स लिख सकते हो, ठीक है? क्या होता है बेटा यू कैरियर्स और प्रो कैरियर्स? मैम जिसके में डिफाइंड मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हाँ, जिसको जो वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वो क्या होता है? उसको मैम यूकैरियोट्स बोलते हैं। यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब न्यूक्लियस पर डेवलपमेंट। चलो ठीक, बैक्टीरिया किसमें आता है? प्रोकैरियोट्स में। याद है क्या जी? अरे यार जाया करो, कितना पढ़ती हो, कम पढ़ा करो। चलो क्वेश्चन बेटा, हमको नहीं मालूम है, थोड़ा पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। यस अ प्लांट विद with genetic composition, AB, small a, b. Okay. Was cross, हो गया सॉर, नहीं was crossed with, मेरी बेटी साथ में बैठी है स्टॉलर में, बस स्टॉलर में बैठी है, जब वो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी ना तब चली जाएगी। अभी पढ़ रही है, अभी ओवर नहीं हुई है, ओवर हो जाएगा तो चिल्लाएगी। द टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ऑफ टेन, हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो बस, ठीक है? तो हमको क्या करना है, पेरेंट टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप, मान लो ये दिया है हमारा, ए भी कितना दे दिया, 380 दे दिया, ठीक है? ए प्लस यस मैम 90 दे दिए, प्लस बी क्या दे दिया 130, प्लस प्लस क्या दिया 400, ठीक है? हमको क्या करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? ए एंड बी का डिस्टेंस, ले डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी, ठीक है? क्या लिखा, कैसे करेंगे? मैंने फॉर्मूला बताया ना, आर एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ द आर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग इनटू 100, भूल गई? यही लगेगा। हाँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये देखो प्लस प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट 90 ए प्लस 130
ठीक है। और ये होता है एक से लेके चार तक, ठीक है, ये पैरेंट टाइप हो जाएंगे। हाँ ना, यस मैम। चलो तो ये दिया है तो अब हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला रख लो फिर, ठीक है। यस मैम, फॉर्मूला रख लो। आर सॉरी आर एफ रिकॉम्बिनेशन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यही बताया था ना मैंने, टोटल नंबर ऑफ ऑफिस नेम। पांच जीन है और क्वेश्चन ठीक है, एबीसीडी की डी बी कॉम बी नी सर फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ए बी इक्वल टू 32% ए सी इक्वल टू क्या हुआ जी 48%। हाँ अभी मजा आ रहा है इसको। सी डी का कितना दिया 18%। हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो 8%। हमको इसका निकालना है ड्रॉ जिन में, तो जिन में ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका निकालो जिन में, मैंने अभी एक तो ड्रॉ करके बताया था ना, ऊपर रख ली, समझाया था ना कुछ। यस मैम, ऐसे कर देंगे अभी, करते हैं वैसे, बनाना पड़ेगा। हाँ अभी मैं बनाती हूँ, चलो ये थोड़ा जगह छोड़ दो। बी है इसका क्वेश्चन, सीक्वेंस बताना ऑफ जीन का ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। यस मैम, सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस इसका यही होगा ना, क्या होगा बेटा, सीक्वेंस यही होगा ना, ए ई D, B, C. देखो परसेंटेज देखो, A, E, A, A, आठ दिया है सबसे कम जो पास पास हो। Yes, ma'am. क्या एट दिया है, अब एट के बाद क्या होगा, एट D होगा, दिया ना 18%, फिर एट D 32, फिर A से 48। समझ में आया, यस मैम। सी को मैंने लास्ट में लिखा 48 जो है सबसे, ठीक है। क्या हो गया, अब ये तरफ सी देखे और इसी में ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा उसी में, अब इसका बताना डिस्टेंस बिटवीन, बताना एडी का डिस्टेंस, बताना बीसी का, बताना बीई का, बताना, ठीक है। हाँ इसका ये भी एक कम कर, इसका ये लिख लेना मैडम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 22% को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ए एंड बी पूछा था। सी एम मैंने यूनिट बताया था ना, सी एम का, यस मैम। हाँ सी एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, मॉर्गन ही बोलते हैं। ये जो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस बताओ, इसका ए बी
पढ़ रही है यार मेरी बेटी ध्यान से पढ़ रही है। चलो पेट में थी तो भी पढ़ती थी, पेट के बाहर है तो भी पढ़ती। अभी भी देखो मैप पर अभी 18% आएगा क्या? एडी का 18% आएगा। एडी का कितना होगा? एडी अभी मैप जब बनाऊंगी ना तब तुम समझोगी। बीसी का क्या होगा? ऐसे नहीं निकल पाएगा। देखो वैसे इसका तुम्हारा छोटे सीएम होगा, अभी फिगर बनाती हूँ तो समझ जाओगी। मैप बनाऊंगी, मैप बनाऊंगी तो इसका 16 होगा और इसका 24 होगा। ठीक है देखो कैसे होता है। हाँ बनाते हैं हम, यहाँ पे ड्रॉ करो। मान लो ये 24 ये तुम्हारा हो गया पूरा, ये पहले पहले हम ऐसे लिखते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्स क्रोमोसोम हो गया मान लो ये। ठीक है यस मैम। पर रिप्रेजेंट करना ना, अब जो कम दूरी है यहाँ से यहाँ पे मैपिंग बनाने सीख लेना, मतलब आना चाहिए मैप बनाना। ये तुम्हारा कितना डिस्टेंस है बेटा? 8% 8 cm है ना? यस मैम। लिख सकती हो ना? ये हो जाएगा फिर ए से डी बनाएंगे। हाँ नहीं ए बी ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 42 cm। किसके बीच का हो जाएगा ये? यहाँ पे पास में बना दो एक और पास पास में बीच में दो है। ये हो जाएगा तुम्हारा डी है, ये है तुम्हारा बी। ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है। ये हो जाएगा तुम्हारा सी, इसको और लंबा बना देना, ये सी हो जाएगा। ठीक है यस मैम। सी हो गया, डी हो गया। अब देखो देखो यहाँ से यहाँ तक 24 हो जाएगा, ये यहाँ से लेके डिस्टेंस ज्यादा है ना 48 cm होगा। यस मैम तो ले लो यहाँ तक सी तक है ना। डी डी और बी के बीच का हो जाएगा जो है इन दोनों का बीच का यहाँ तक बेटा निकालोगी तो आपका 24 ले लो। ये हो जाएगा तुम्हारे 18 cm। ठीक है यहाँ से ई से लेके बी तक ई से लेके बी तक मान लो मैं ऐसे बना देती हूँ ऊपर एरो करके बना देती हूँ बन जाएगा 24। ठीक है yes, 30 भी दिया है ना? Yes, ma'am. 40, ये A, A का, 40 cm। अभी इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा जब तक 2-3 बार बना कर प्रैक्टिस नहीं करोगी। Yes, ma'am. तो अभी नहीं देखो ना मान लो दिया है ए बी 32। ठीक है 32 मैंने लिख दिया ना ए और बी, ए हो गया और बी बी इसमें मैंने लिख दिया ना 32 यहाँ से लेके यहाँ तक। यस मैम डिस्टेंस ज्यादा है ना 32% ही है डिस्टेंस।
और एसी 48 ए उठाया यहाँ पे ए और सी देखो यहाँ तक लिया 48 लिख दिया कर दिया समझ में आया यस मैम। अब बच्चा तुम्हारा सी डी तो ये मैंने उठाया सी और ये उठाया डी इन दोनों के बीच में मैंने 18 कर दिया हाँ हो गया ना दिया है ना। अब बच्चा ए और ई ए ई में 8 ठीक है। अब हमको जो निकालना हाँ अब हमको जो निकालना है मान लो एडी निकालना है एडी एडी का मैंने 30 लिखा है ना 30 ए और डी ये ए हो गया ए उठाओ और डी तो देख ही रही हो ए और डी के बीच में कितना दिया है 32 दिया है ना हाँ 32 हाँ तो वही और दो मैंने लिखा है ना डी डी और बी के बीच में दो लिखा कि नहीं तो दो तो माइनस कर दो Yes, ma'am. ऐसे ही आगे भी डाल लो बस तुमको डिफरेंस देख के मतलब माइनस करना है दोनों ठीक है। यस मैम दो निकालना है तो चार को का जोड़ के दो को में से माइनस करो तभी ना तीसरा निकलेगा। ठीक है यस मैम। इसी तरह तुम एबीसी निकाल लो इसी तरह बीडी निकाल लो ठीक है। Yes, ma'am. जब मैप को देख के कर लोगी बी देखो ये बी दिया है ये सी दिया है ये दो क्या करोगे माइनस करो आगे तुम्हारा यहाँ नहीं 16 दिया ही है वो तो दिया ही है बीसी दिया ही है yes, ma'am. तो 18 में से दो चला जाएगा 16 हो जाएगा ठीक है। डिस्टेंस में इनको रखे थे नहीं मजा आ रहा था गोद में आके बैठ गई। हाँ तीसरा क्वेश्चन देखो सब सब तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है जितना प्रैक्टिस करोगे तभी जाके क्लियर होगा। यस मैम मैं क्वेश्चन पेपर भेज दूंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है। रेशियो फॉर जी Probing incomplete linkage ठीक है ना dominant की बात नहीं है यहाँ पर linkage by 7 तो बताओ the result are क्या होगा क्या दे रखा वही करेंगे देखो दे रखा है ये तुम्हारा प्लस प्लस ए बी इक्वल टू 100 प्लस बी ए बी इक्वल टू 900 ए प्लस ए बी इक्वल टू 900 ठीक है ए बी इक्वल टू 200 ठीक है। तो ये ए लिखो इसमें ये बताना है क्या बताना है ए ट्रांस तुम्हारा ट्रांस एक्सिस बताना ठीक है ट्रांस एक्सिस मैंने बताया था ना यस मैम ट्रांस एक्सिस ट्रांस एक्सिस ठीक है ट्रांसवर्सिस का कंफिगरेशन भी बताना है डिस्टेंस तो बता ही लोगे देख के पता ही चल जाएगा किसमें कौन कितना ज्यादा लिंकेज है और कितना क्रॉसिंग ओवर है या कितना जो भी है। देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा ये ट्रांस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा देखो ट्रांस ये हो जाएगा ये हो गया तुम्हारा पेरेंटल देखो ये जो ज्यादा है वो पेरेंटल होगा ना होगा कि नहीं भाई परसेंटेज जो होगा वो रिकॉम्बिनेंट आर हो जाएगा समझ में आया
ऐसे बना सकती हूँ, मान लो एक दिन ये ले लिए और एक दिन मान लो ये ले लिए, ठीक, और मान लो ये प्लस हो गया, ये हो गया, और ये मान लो बी हो गया, ये भी मान लो बी हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया, क्योंकि आप क्रॉसिंग करके देखो तो वही आ जाएगा, ये हो गया, ये प्लस हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, क्रॉस कराओगे तो यही आ गया, ठीक। तो देखो ये जो है दिया ना, वेदर ट्रांस या सिस कॉन्फिगरेशन, ये ट्रांस है कि सिस होगा, तो ये तुम्हारा आंसर ट्रांस होगा, ठीक है, ट्रांस होगा। जिससे ये इसका जस्ट अपोजिट होता है ना, ट्रांस का अपोजिट साइड होता है ना बेटा, और सिस मतलब जो नॉर्मली जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसका निकालेंगे बेटा, इसका निकालेंगे कॉम्बिनेशन फैक्टर, तो इसको निकालो जैसे कि कॉम्बिनेशन फैक्टर इसका तो फॉर्मूला ही रख दो ना, ये था ना, हाँ, हंड्रेड हंड्रेड, बाकी सारे ऑफिस पिन को जोड़ दो, ऑफिस पिन को जोड़ दो और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हंड्रेड, ये सबसे आसान है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर निकालना, यही डिस्टेंस के लिए फार्मूला ही अपनाते हैं ना, यस मैम, दो दिन के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग रिकॉम्बिनेशन फैक्टर ही का फार्मूला अपनाते हैं, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, तो अप्लाई कर दो तो यहाँ पे 200 आ जाएगा भाई, 2000 क्या है जी, 10 हो गया, ठीक है, 10% हो गया, इसको सीएम लिख सकती है, क्या लिखोगी, आंसर 10% या 10 मॉर्गन जो सीएम, ठीक है, यस मैम, आया समझ में, हाँ यस मैम, आ गया, तो चलो आंसर 10 सीएम है बेटा, नहीं मिलेगा आप पैसा नहीं मिलेगा, आगे फिर सॉल्व, अब वो जो मैपिंग मैंने बनाया वो समझ में आया ना, एक दो बार यस मैम आया, प्रैक्टिस करने से होगा, यह अरे जो मान लो 8 दे दिया तो उसको पास पास रख देना, जो 48 दिया उसको डिस्टेंस पर रख देना, थोड़ा बीच में दिया है तो उसको बीच पर रख देना, और जो निकालना है तो जोड़ घटा के उसको निकाल देना, समझ में आया, हाँ यस मैम, हाँ, अब ये लिखो, अब यहाँ पे देख लो ना, इनकम्प्लीट क्या लिखा था, इनकम्प्लीट लिंकेज को बेटा मैं यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज में देखना, मैंने बताया था कि पेरेंटल हमेशा ग्रेटर देन होता है, देखना yes, बताया, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर पेरेंटल को हाई, ये पेरेंटल को ये लिया, ठीक है, फिर साहब समझ में आया, आगे चलो, यस मैम, आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़ना है क्या, हेडिंग डालो सेक्स लिंकेज, ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था, मॉर्गन ने ही डिस्कवर किया था, किस पे, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे, ठीक है, यस मैम, तो डिस्कवर वो ए लड़की डिस्कवर बाय मॉर्गन, हाय रे मॉर्गन जी, यूनिट में भी मॉर्गन घुस गए हैं, सब जगह मॉर्गन ही है, इस पे क्या था, ड्रोसोफिला पे किया था, ठीक है, प्रिसा ड्रोसोफिला इनको वहां गया था, तो देखो इसमें लिखो कि जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जीन तुम्हारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन, देखो बेटा ये माइंड में रखना कि कहना क्या चाह रहा है, सेक्स को देखो, देखो नाम पे जैसे कि सेक्स है ना, तो तुम सोचोगे कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो जैसे कि एक्स वाई है,
सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम ही उसमें प्रेजेंट होगा, बाकी कोई जीत नहीं प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? माइंड में रखना, हमारा जिस तरह एक्स वाई जो है सेक्स क्रोमोसोम है, तो सेक्स का तो जीन वहां पर प्रेजेंट ही है, अदरवाइज दूसरा भी जीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मान लो हमारा क्या कहते हैं आई रेड हो गया या हेयर ब्राउन हो गया या कुछ भी, मतलब कैरेक्टर तुम देख सकती हो, ठीक है? यस मैम। ऐसे तो सेक्स क्रोमोसोम तो वो है ही है, वो तो क्रोमोसोम है, बट उसका जीन तो प्रेजेंट है ही है, उसके अलावा भी अदर अदर भी कैरेक्टर का जीन वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम आर नोन एज सेक्स लिंकेज, ठीक है? क्या बोलते हैं सेक्स लिंकेज जीन, समझ में आया? यस मैम आया। एंड दिस दिस फिनोमिना इज नोन एज सेक्स लिंकेज। कौन सा कलर ले लिया मैंने, ठीक है? देखो मान लो मेल ले लिया, मान लो ये फीमेल है एक्स एक्स, और मान लो ये मेल ले लिया एक्स वाई, ठीक है? मान लो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की बात करें या ह्यूमन की बात करें, तो तुम देखी होगी कि ये जो होता है क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, ये लंबा होता है, ठीक है? और ये तुम्हारा वाई हुक टाइप का एक्स हो गया, ये ड्रोसोफिला में हो गया, ठीक है? और ये क्या होता है लार्जर होता है। मान लो ह्यूमन की अगर बात करें, सॉरी ह्यूमन की बात करें, तो ये तुम मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक जानती हो कि नहीं? मेटासेंट्रिक एक्रो, यस मैम याद है। मेटासेंट्रिक क्या होता है? सेंटर क्या होता है? थोड़ा सा जस्ट ऊपर बना रहता है, हाँ वो सब मेटा मेटा बीच में से मेटा ये ऐसे बना रहता है, ये तुम्हारा ज्यादा लंबा है एक्स क्रोमोसोम जो है, ठीक है? ये जो सेंटर में सेंट्रियोल जो ये सेंटर में ये हो गया तुम्हारा सब मेटा सेंट्रिक सेंटर में, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे सब मेटा मेटा सेंट्रिक, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये इसके फर्स्ट सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, यस मैम, ठीक है? और ये एक्स क्रोमोसोम हमारे क्या होता है लार्जर होता है बाकी के कंपेयर में, ये इसके कंपेयर में, ठीक है? उस तरह अब देखो ड्रोसोफिला में भी फिनोटिपिकली तुम देखोगे तो फीमेल लंबा होते है ना, बड़ी मक्खी जो होती है फीमेल हो गई, छोटा मक्खी है वो मेल हो गया, मेल इससे अंदाजा लगा लो ना क्या करना है। ये हो गया एक्स, वाई की बात करें तो वाई जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है, ऐसे होता है छोटा सा बना होगा ये, ये ऊपर का थोड़ा छोटा, ये साइज तुम्हारा इसके कंपेयर में छोटा रहेगा, ठीक है? ये ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा एक्रो सेंट्रिक, ठीक है? एक्रोसेंट्रिक ये वाई क्रोमोसोम, आया समझ में? यस मैम आ गया।
आगे देखते हैं। लिंक लिख दिया ना आगे आगे लिखो कि ये जो इसको जिसने डिस्कवर किया था मॉर्गन ने, तो ये आई कलर ड्रोसोफिला पे मतलब मेनली उसको देख के फाइंड आउट किया था कि रेड कलर का कैसे आई आई जो है। ठीक है एक पॉइंट तो डिस्कवर इसमें क्या था इन आई, जैसे कि अब कई मेल और फीमेल है ठीक है, तो ढेर सारा रेड कलर की फीमेल है मिल गई और एक तो व्हाइट कलर का मिल गया, ये उसको मेल बोल दिए। ठीक है ये कहां से मतलब व्हाइट कलर ये आ गया मतलब ऑफ डोर्सो, समझ में आया डोर्सो कलर में यस। तो क्रॉस करा के देखते उन्होंने जब देखा रेड आई का और व्हाइट मतलब देख लिया रेड आई पे ही मैंने उन्होंने किया, तो पहले उन्होंने क्रॉस करा चलो भैया क्रॉस करके देखते हैं रेड वाला जो है इतना ढेर सारा रेड में एक व्हाइट कहां से आ गया, तो टायर रेड और व्हाइट दोनों को क्रॉस करा दिए, अब देखते हैं क्या होता है। देखो फेक तो मैंने क्रॉस मान लो क्रॉस फर्स्ट करा इसमें पैरेंट को लिया, पैरेंट कौन सा लिया रेड आई को लिया ठीक है, तो कौन थी फीमेल और एक वाइट जो तुम्हारा जो था वो मेल था ठीक है, अब करा दिया क्रॉस क्रॉस करा के एफ वन निकाल दिया, एफ वन में सभी क्या निकल गया बेटा ऑल रेड आई के निकल गए ठीक है सभी निकल गए बोथ मेल एंड फीमेल सभी रेड निकल गए, बट उन्होंने सेल्फिंग फिर इसमें करा दिया तभी तो हमारा तो गड़बड़ एफ टू में ही जाके होता है ना। यस मैम भाई साइंटिस्ट जो है मतलब एफ वन में संतोष नहीं है था कि एफ टू करवा के दूसरा कैरेक्टर निकालेंगे लोग तभी तो उन लोग का एक्सपेरिमेंट चलेगा। यस मैम तो ये हो जाएगा मान लो मैं अभी क्रॉस नहीं कर रहा हूँ ऐसे अंदाजा करके बता दे मान लो ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गई, ये मान लो तीन हमारे रेड निकल जाएंगे बचेगा मेल एक ही ना लास्ट वाला ही तो डिलीट कर देता है व्हाइट आई होगी ठीक है ऐसे हमको निकालना है, तो चलो अब हम लोग क्रॉस करा के देख ही लेते हैं भाई, अब कुछ मान के चले तभी ना क्रॉस होगा तो क्रॉस कराते हैं अभी क्रॉस कराती हूँ अभी बस मैंने रफली बस ऐसे लिखा समझने के लिए सेल्फिंग करा दिया ये निकल गया ठीक है, तो कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला इसमें जो निकाला कि रेड आई कलर इज डोमिनेंट रेड वाला क्योंकि ढेर सारा जो ज्यादा रहेगा वो डोमिनेंट हो जाएगा ना बेटा। यस मैम रेड ज्यादा था उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ पर लिखो कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट आई, हो सकता है ना। यस मैम आया समझ में, सेकंड लिख लो। यस मैम आ गया व्हाइट आई मेल मेल को उन्होंने व्हाइट आई दे दिया ठीक है बॉस अ मिस्ट्री उनके लिए ये मिस्ट्री हो गया ठीक है, अब इस पे करेंगे सर्च वो टू इन उनके लिए मिस्ट्री हो गया व्हाइट आई मेल को रख दिया ठीक है। यस मैम अब उन्होंने कराया क्रॉस
चलो तो जो हम लोग क्रॉस करवा रहे थे फर्स्ट वाला, हाँ वो करवा के देखते हैं। तो ये क्या हो गया, रेड आई जो है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं ए प्लस या डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू प्लस डोमिनेंट है तो प्लस रखेंगे ना बेटा। यस मैम, डोमिनेंट है मतलब पिंक ये लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस ही नहीं है यार, कैसे मैं, चलो बनाते हैं इसी में। मान लो मेल है तो मेल का तो ऐसे बन जाएगा, एक हुक जैसे बन जाएगा, ठीक है। एक्स वाई मैंने बनाया, ये डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू तुम्हारा प्लस नहीं होगा क्योंकि ये रिसेसिव है, ठीक है। और इसमें प्लस प्लस बनाते हैं, ये एक पेयर हो जाएगा ना, ये एक्स एक्स। यस मैम, हाँ बना लो स्ट्रक्चर, बना लो फिर से ठीक। तो इसमें हो जाएगा डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू प्लस हो जाएगा। हाँ यस मैम, आप इसका गैमेट बनाओ, इसका गैमेट करो, इसका गैमेट बनाओ। इसका गैमेट क्या हो जाएगा, इसका गैमेट दोनों अलग अलग कर दोगी, ये x और y है, ठीक है ना, अलग अलग गैमेट, ये गैमेट बन गया, ये पैरेंट हो गया, ये गैमेट हो गया। अब मैं करके मतलब दिखा रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्रॉस करा दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका अलग अलग कर दो इसको। ओ, 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 हो जाएगा बेटा, यस मैम, गैमेट बन गया। उठाओ इसको, इनसे क्रॉस करा दो, इनको उठाओ इससे ले जाओ, इनको उठाओ इससे ले जाओ, ठीक है। जब क्रॉस कराएंगे तो ये निकल जाएगा, ऑल रेड आई निकल जाएगा, ठीक है ना। यस मैम, तो मैं ब्रैकेट में बना देती हूँ क्या, हाँ ये सभी निकल जाएंगे। तो अब हमको सेल्फिंग भी तो कराना है, हाँ मान लो ये मैंने क्रॉस कराने के बाद ये सभी आ गए, तब हम सेल्फिंग करवाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट टू कॉपी रहेगा ना, ये मान लो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे नीचे में कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे कर देती हूँ। एफ वन के बाद जो आएगा, मतलब जो आएगा तो एग्जैक्ट उसी से फिर हम वो करवाएंगे ना सेल्फिंग। यस मैम, तो देखो इसका तुम ये क्रॉस कराओगी। ए लड़की क्या खा रही हो, छोड़ो, बेटा रुक जाओ, प्लस डबल, ठीक है। रेड है ये फीमेल है, फीमेल सॉरी फीमेल नीचे बनता है ना, फीमेल